अस्सलाम वालेकुम जो पिछले लेक्चर के अंदर हमने जियो मैप्स बनाने देखे थे इस लेक्चर में हम जियो मैप्स को फिल्ड तरीके से बना के देखेंगे कैसे मैं अभी आपको बताता हूँ स्क्रीन आपके सामने हाजिर है यहाँ पे देखेंगे पिछले लेक्चर में हमने इस तरह के प्लॉट बनाए थे विच इज़ कॉल्ड जियो मैप अब मैं क्या करूंगा यहाँ पे मैं सेवनटीन नंबर पे फिल्ड मैप लिखता हूँ जो हमारे डेटा के थ्रू हम बना सकते हैं मैं यहाँ से थोड़ा सा जूम इन जूम आउट कर लेता हूँ और यहाँ पे जाके हमने यहाँ से मैप की बजाय फील्ड मैप ऐड करना अगर मैं थोड़ा जूम इन करूँ यू कैन सी दै यहां पे हमारे पास मैप था जो हमने लास्ट टाइम यूज किया था अब हमने फील्ड मैप यूज करना है सो आई गो बैक क्लिक ऑन दिस फील्ड मैप नाउ यू कैन सी मैं इसको थोड़ा सा जूम इन करता हूँ यहाँ पे अब हम क्या कर सकते हैं लोकेशन के अंदर कोई भी हमारे पास जो लोकेशन का कॉलम है सर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास स्टेट्स है रीजन है कंट्री है सो और सो फोर्थ हमारे पास चीजें मौजूद है हम उसको उठाएंगे और यहाँ पे ट्रैक कर देंगे लोकेशन के अंदर So, मैं स्टार्ट करता हूं स्टेट के कॉलम से यहां पे मैंने लोकेशन में इसे स्टैक किया ना यू कैन सी कि हमारे पास यूनाइटेड स्टेट्स का टोटल जो है यहां पे एरिया आ चुका है विच इज अ काइंड ऑफ स्टेट मैप जो हमारे पास फिल हो गया ये जितनी भी स्टेट्स हैं यूएसए की वो सारी की सारी फिल हो गई और डेटा का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहां पे जाके आप डेटा को डाउनलोड करके इसमें लोड कर सकते हैं फिर अगर लीजेंड में आए लीजेंड के अंदर कोई भी चीज मैं ऐड करता हूं फॉर एग्जांपल मैं प्रॉफिट ऐड करता हूं जैसे मैं प्रॉफिट ऐड करूंगा यू विल सी कि ये सारा के सारी चीजें जो हैं वो प्रॉफिट की बेस पे फिल हो जाएंगी जिसका जितना प्रॉफिट होगा उतनी वो फिल हो जाएंगे और लीजेंड आप टॉप पे देख सकते हैं यहां पे प्रॉफिट की रेंज जो है डिफरेंट तरीके से यहां पे चल रही है नेगेटिव में प्रॉफिट भी है पॉजिटिव में भी है एंड यू कैन सी दैट इवन तो जैसे आप इस पर होवर करते हैं यू कैन से द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ दिस स्टेट्स जैसे मोन्टेना का डिफरेंट है और फिर इसी तरीके से इडाहो का है आई डो आई डो पता नहीं कैसे प्रोनाउंस करते हैं ऑरिगोन का सेपरेट है एरिजोना का सेपरेट है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली क्रिएट अ फील्ड चार्ट अब मुझे पता है कि यहाँ पे जैसे मैं कोई भी सरकर किसी भी एक पॉइंट पे अपना कर्सर लेके जाता हूँ नाउ यू कैन सी कि आपके पास डिफरेंट स्टेट्स का इस तरीके से डेटा आ रहा है जैसे अयोबा स्टेट है यहाँ पे आपके पास मिसोरी है फिर फॉर एग्जाम्पल नेब्रास्का है नेब्रास्का का देखें हमारे पास फिर प्रॉफिट शो हो रहा है वट आई कैन डू इज प्रॉफिट के साथ साथ अगर मैं टूल टिप ये जो हमारे पास एक कॉलम है इसके अंदर मैं सेल्स को ऐड कर दूंगा ना

और हमारे पास processing हो रही है सिटी विच विल टेक अलॉट ऑफ टाइम ऑफकोर्स सो आपकी सेल्स जो है वैसे ड्रा हो जाएंगे सो दिस इज आउ यू कैन एक्चुअली प्ले विद्लॉ फॉर एक्साम्पल लोकेशन में मैं दोबारा आता हूँ यहां पर मैं स्टेट को एड करता हूँ यू से यूनाइटेड स्टेट्स की यहाँ पे आ गई है सारी की सारी और मैं क्वांटिटी या प्रॉफिट को यहां पे लीजेंड में डालता हूं यू विल कलर्स जो है वो लीजेंड की बेस पे आ गए अगर मैं चाहूं इसको रीजन की बेस पे करना तो मैं रीजन को उठा के उठाकर में डालूंगा नाउ यू हैव फोर रीजन इन यूनाइटेड स्टेट्स और अगर आप लीजेंड में फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूमेरिकल कॉलम की बजाय आप सब कैटेगरी डाल देते हैं नाउ यू विल सी सब कैटेगरीज कहाँ कहाँ पे कितनी कितनी जा रही है ठीक है एंड देन यू कैन ऑल्सो पुट सम काइंड ऑफ न्यूमेरिकल और नॉन न्यूमेरिकल डेटा एंड यू विल हैव दिस काइंड ऑफ फिल्ड है ये था जनाब आपके सामने एक फील्ड मैप और फील्ड मैप इस तरीके से बनाया जाता है अब अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि एक मैप के अंदर फिलिंग कलर के बजाय आप पाई चार्ट्स कैसे ऐड कर सकते हैं सी यू इन द नेक्स्ट वन पूरे के पूरे कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है फॉलो अस फॉर मोर एंड इट विल हेल्प अस टू ग्रो थैंक यू